हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रोमन न्यूमेरल्स। व्हाट? रोमन न्यूमेरल्स। बेटा, आज मैं आपको हिंदू अरेबिक जो नंबर्स होते हैं 1, 5, 10, 50, जो ये लेटर्स और डिजिट्स होती है, इन डिजिट्स को रोमन लेटर में या रोमन न्यूमेरल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। उसके लिए हम कुछ बेसिक रूल्स सीखेंगे। अगर हमें ये रूल्स आ गए तो हम बेटा रोमन लेटर्स को आराम से समझ पाएंगे। तो जो बेटा ये हमने लेटर्स लिख रखे हैं, रोमन लेटर्स में हम आई को बेटा हिंदू अरेबिक में आई की वैल्यू क्या होती है? 1। रोमन लेटर में वी की वैल्यू होती है 5। एक्स की वैल्यू होती है 10। L की वैल्यू होती है 50, C की वैल्यू होती है 100, D की वैल्यू होती है 500 और M की वैल्यू होती है 1000। और अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से समझें तो हिंदू अरेबिक में हम लिखते हैं 1, उसे हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं I, 5 को हम रिप्रेजेंट रोमन में करते हैं V, 10 को हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं X, 50 को हम रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं X L, 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं L, 100 को हम रिप्रेजेंट करते हैं C, 500 को हम रिप्रेजेंट करते हैं D और 1000 को हम रिप्रेजेंट करते हैं M। इस तरह से बेटा ये कुछ बेसिक जो रोमन नंबर्स या रोमन सिंबल्स हैं वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब इन रोमन सिंबल्स को यूज़ करके हम कैसे किसी डिजिट को रोमन में लिख सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ रूल्स समझाने वाला हूँ। आप उन रूल्स को समझिएगा, ठीक है बेटा। जो मेरा फर्स्ट रूल है रोमन सिंबल बनाने के लिए, रोमन सिंबल जो हम बनाते हैं उसके लिए जो हमारा मेरा फर्स्ट रूल है वो है, व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। मींस अगर हम किसी रोमन सिंबल के लेटर को रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू एड होती जाती है। क्या होती जाती है? एड होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आई की जो हिंदू अरेबिक में वैल्यू थी बेटा वो थी 1। अब ये हमारा रूल क्या था, अगर किसी लेटर को रिपीट करते हैं। अब आप देखिए, आई 1 टाइम था, आई की वैल्यू 1, ठीक है। बट यहाँ बी एग्जाम्पल को देखिए, आई हाउ मैनी टाइम आई? 2 टाइम। तो यहाँ जो रूल था वो था, वेन अ लेटर इज रिपीटेड, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे आई यहाँ 2 टाइम आ गया तो वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मींस 1 आई जो सिंगल आई था उसकी वैल्यू थी 1, अब डबल आई 2 टाइम आई हो गया बेटा, तो 2 टाइम आई मींस 1, आई मींस 1, मींस 1 प्लस 1 2। देन सी एग्जांपल देखिए, आई मींस हाउ मेनी टाइम आई? 3 टाइम। जब आप देखिए, जब लेटर रिपीट हो रहा है मींस वैल्यू ऐड होगी। 1 आई रिप्रेजेंट 1, देन 2 आई रिप्रेजेंट 1 प्लस 2, देन 3 आई रिप्रेजेंट 1 प्लस 1 मींस 3। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ऐसे कंप्लीट हुआ, व्हेन अ लेटर इज रिपीटेड, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। ऐसे ही आप और एग्जांपल देखिए, एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? 10। वैसे ही आप देखिए, एक्स मींस 10 प्लस 10, when letter is repeated value is added, 10 plus 10 20। then example x means 30, x की value 10, x की value 10, x की value 10, 10 plus 10 plus 10 means 30। ऐसे ही अब आप और example देखिए, c क्या represent कर रहा है बेटा? 100। c की value क्या है? 100। then c 100 plus 100, जब लेटर रिपीट होगा वैल्यू ऐड होगी। मींस ये जो सी है ये 100 और ये सी है जो 100, 100 प्लस 100 200। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, सी मींस 100 प्लस 100 प्लस 100, 100 मींस 300। क्या वैल्यू हुई बेटा? 300। ये सी फोर 100 प्लस 100 200, सी मीन्स 100 100 100, ये ऐड होकर 300 बन गया।
इस तरह हमारा ये फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। देन सेकंड रूल, सेकंड रूल है वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी वी मीन्स 5, एल मीन्स 50, डी मीन्स 500। मीन्स अभी जो हमारा रूल था वो रिपीटेड आया, फर्स्ट नंबर जो रूल था बेटा उसमें हम लेटर्स को रिपीट कर रहे थे, बट आप लेटर्स में आप नोटिस कीजिए आई 1x 10, सी 100, एम 4000। तो मींस जिनमें 111 आ रहा है वो ही लेटर्स बेटा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब आप देखेंगे वी एल डी 5, 50, 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होते। मींस हम कभी भी वी वी ऐसे टू टाइम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट रूल कंप्लीट, सेकंड रूल कंप्लीट, देन थर्ड रूल। थर्ड रूल इज व्हेन अ लेटर फॉलोज अ लेटर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू। मींस जब कोई लेटर मींस रोमन सिंबल किसी भी ग्रेटर लेटर के आगे आता है तो बेटा उसकी वैल्यू उस ग्रेटर लेटर में ऐड हो जाती है। इसके भी आप एग्जांपल देखिए, एक्स वी, एक्स रिप्रेजेंट 10, वी रिप्रेजेंट 5। यहां था फॉलो, फॉलो मींस अगर कोई ग्रेटर लेटर है किसी दूसरे लेटर की वैल्यू को फॉलो कर रहा है, ठीक है, आगे आ गया फॉलो कर रहा है इसको 10 को, तो बेटा वो ग्रेटर में ऐड हो जाता है। मींस एक्स को रिप्रेजेंट किया 10, वी को रिप्रेजेंट किया 5, 10 प्लस 5 मींस एक्स वी की वैल्यू हो गई 15। एक एग्जांपल और देखिए, सी, सी रिप्रेजेंट 100, एल रिप्रेजेंट 50, मींस 100 प्लस 50 150। ठीक है बेटा, तो एक्स वी की वैल्यू क्या हुई 15, क्योंकि ये 10 प्लस 5 हो गया। और सी एल, सी एल मीन्स 100 प्लस 50, तो इसकी वैल्यू हो गई 150। ऐसे ये हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। और इस रूल में क्या था, अगर कोई ग्रेटर लेटर से कोई भी दूसरा लेटर फॉलो करता है, किसी ग्रेटर लेटर को कोई लेटर फॉलो करता है तो वो वैल्यू उसमें आगे ऐड हो जाती। अब आप देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4, when a letter precedes a letter of greater value its value is subtracted from the greater value। means जब कोई letter, कोई भी greater letter उसको अभी हमने पढ़ा follow कर रहे हैं तो आगे आके add हो रहा है, but अगर precede means पीछे की तरफ, अगर पहले आ रहा है किसी greater लेटर से पहले कोई और लेटर स्मॉलर लेटर उससे पीछे आ रहा है तो वो बेटा क्या हो जाता है, वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू, उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मींस माइनस हो जाती है किस में से, ग्रेटर वैल्यू में से। और इसमें आगे कुछ एक्स्ट्रा भी है, वी इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, मींस वी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मींस किसी भी लेटर के पीछे वी कभी भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, आई वी, यहां ग्रेटर कौन है, आई रिप्रेजेंट 1, आई रिप्रेजेंट 1, वी रिप्रेजेंट 5। अब आपने क्या देखा कि जो आई है क्या है बेटा, आई है वो है स्मॉलर वैल्यू और वी है ग्रेटर वैल्यू। वी की वैल्यू क्या आती है, अगर मैं इस आई को हाइड करता हूं तो वी की वैल्यू क्या है 5, बट प्रीसीड्स मीन्स पीछे की तरफ बैक साइड में अगर कोई लेटर आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, मीन्स ये वी की वैल्यू है 5 और उससे पहले कोई लेटर आ गया मीन्स ये आई आया तो 5 में से आई की वैल्यू 1 को माइनस कर देंगे और इसकी वैल्यू हो गई 4। मीन्स आई वी की वैल्यू क्या है बेटा रोमन में 4। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी, सी डी, आप देखेंगे डी की जो हमारी रोमन सिंबल में वैल्यू थी वो थी 500, ठीक है, और C की जो वैल्यू है वो है 100। तो हमें पता चल गया C जो है वो D से स्मॉलर है और प्रीसीड्स मींस पीछे की तरफ बैक साइड में, ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू जो C की वैल्यू है वो D की वैल्यू में से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, क्या होगी बेटा, सब्ट्रैक्ट होगी। तो D की वैल्यू 500 और उसमें से C, C की वैल्यू 100, हम वो माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया, सी डी की वैल्यू हो गई 400।
जो ऊपर का एग्जाम्पल था, जो एग्जाम जो रूल नंबर 3 जो हमारा था उसमें फॉलो कर रहा था, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर लेटर फॉलो कर रहा था, और यहाँ जो स्मॉलर नंबर है वो प्रीसीड्स मीन्स वो पीछे की तरफ है और वो ग्रेटर नंबर से सबट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर ये ही सी इस डी के आगे की तरफ फॉलो करता, डी को क्या करता, फॉलो करता, तो 500 + 100 600 वैल्यू हो जाती, बट ये प्रीसीड्स मीन्स पीछे की तरफ है। ठीक है बेटा, तो ये 100 जो वैल्यू है वो 500 में से सबट्रैक्ट होगी, इस तरह सी डी की वैल्यू हो गई 400। और ये जो हमारा रोमन सिंबल से रिलेटेड जो लास्ट रूल, रूल नंबर 5 है, अब मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम टू डिनोट अ नंबर, मीन्स कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, x 10 x 10 मीन्स 10 10 10 30, बट जब कभी हम 40 लिखते हैं, 40 इज रिटन एज xl, कैसे लिखेंगे, xl नॉट xxxx, मीन्स यहां क्या था रूल कि कोई भी रोमन सिंबल 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। और कुछ सिंबल्स जो मैंने आपको पहले ही बता दिए, VLD, ये कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, और जो सिंबल रिपीट होते हैं वो भी 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 30 को हमने लिखा XXX, बट जब 40 की बात आई तो 40 के लिए हमने XXX 4 टाइम नहीं लिखे बेटा, ये XXX ये राइट आंसर नहीं है, 40 की वैल्यू है XL। ठीक है बेटा, और इसको अगर हम इस रूल से समझें कि अगर प्रीसीड मीन्स पीछे की तरफ L for 50 और उससे पहले x, x मीन्स 10, 50 में से 10 माइनस, अगर पीछे वैल्यू आई तो माइनस, आगे वैल्यू आई फॉलो कर रहा है तो ऐड करते हैं, तो ये वैल्यू प्रीसीड्स पीछे है, पीछे की तरफ है, बिफोर है, तो हमें 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा और xl की वैल्यू हो गई 40। इस तरह से बेटा जो ये हमारा रोमन न्यूमेरल्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मैंने आपको रोमन सिंबल में डिजिट्स को कैसे लिखते हैं हिंदू अरेबिक में वो सिखाया, और हिंदू अरेबिक से रोमन में कैसे लिखते हैं वो सिखाया। अब मैं आपको 1 से लेकर 50 तक के रोमन सिंबल पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैंने आपको रोमन न्यूमेरल्स से रिलेटेड कुछ रूल्स सिखाए, अब मैं आपको 1 से 50 तक के रोमन सिंबल बताने वाला हूँ कि हम हिंदू अरेबिक में किसी डिजिट को कैसे लिखते हैं और रोमन सिंबल में कैसे लिखते हैं। तो ठीक है बेटा, आप इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1 को हम रोमन सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं आई, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं आई आई, 3 को रिप्रेजेंट करते हैं आई आई आई, 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वी। ठीक है बेटा, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वी। अगर हम रूल्स पे जाएं, देखिए आप 3 टाइम ही आई रिपीट हुआ, रूल क्या था हमारा, अगर कोई लेटर 4 टाइम आता है तो वो रोमन सिंबल में रोमन सिंबल नहीं होगा, इसीलिए आई 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 3 टाइम आया। और जो हमारा रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग जब हमें 4 लिखना था तो वी से पहले आई आ गया, मीन्स वी मीन्स 5, और 5 से पहले आई आ गया, मीन्स 5 में से 1 माइनस करना है क्योंकि आई क्या रिप्रेजेंट करता है, 1। ठीक है, तो 5 में से 1 गया तो 4, ऐसे ही 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी, 6 का वी आई, 7 वी आई आई, 8 वी आई आई आई, 9 इज रिप्रेजेंट आई एक्स, 10 इज रिप्रेजेंट एक्स। इस तरह ये 1 से 10 तक हमारे रोमन सिंबल और हिंदू अरेबिक नंबर कंप्लीट हुए। देन 11 11 11, तो बेटा 1 1 11 10 + 1, तो 10 रिप्रेजेंट करता है x और 1 के लिए हम सिंबल यूज करते हैं i। ठीक है बेटा, x i 11, 12 के लिए x i i, 13 के लिए x i i i, 14 के लिए x i v, 15 के लिए x v, 16 के लिए x v i, 17 के लिए x v i i, then 18 के लिए x v i i i, 19 के लिए x i x, 20 के लिए
एक्स एक्स मीन्स 10 + 10 20, देन आगे देखिए 21, 21 20 + 1 एक्स एक्स 20, देन 1 इज i, तो एक्स एक्स i 21, एक्स एक्स i i 22, एक्स एक्स i i i 23, एक्स एक्स i v 24, एक्स एक्स v 25, एक्स एक्स वी आई 26, एक्स एक्स वी आई आई 27, एक्स एक्स वी आई 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 28, एक्स एक्स आई एक्स 29, एक्स 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 देन 30। अब हम आगे चलेंगे, एक्स 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 30, ठीक है बेटा। तो अब आप देखिए 30 + 1, देन 30 को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स 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 से, और 1 रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सो 31 के लिए हम रोमन सिंबल में यूज करेंगे एक्स 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 आई, 32 एक्स 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 आई आई, 33 एक्स 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 आई आई आई, 34 एक्स 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 आई वी, 35 एक्स 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 वी, 36 एक्स 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 V I, 37 X X X V I I, 38 X X X V I I I, 39 X X X I X, then 40। बेटा यहाँ 40 जो मैंने अभी आपको रूल सिखाए थे उनमें 40 का एग्जांपल दिया था, 40 को हम X X X X 4 टाइम X नहीं लिखेंगे, क्योंकि रोमन सिंबल में कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, ठीक है। तो 40 की वैल्यू एक्स एल। और अब 41 40 + 1, तो 40 की वैल्यू एक्स एल और 1 के लिए आई, 42 एक्स एल आई आई, 43 एक्स एल आई आई आई, 44 एक्स एल आई वी, 45 एक्स एल वी, 46 एक्स एल वी आई, 47 एक्स एल वी आई आई, 48 एक्स एल वी आई आई आई, 49 एक्स एल 40 आई एक्स 9। और 50 के लिए जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 50 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको रोमन न्यूमेरल्स और रोमन नंबर, रोमन सिंबल से रिलेटेड रूल्स सिखाए, और उससे रिलेटेड 1 to 50 तक रोमन हिंदू अरेबिक नंबर और रोमन नंबर सिखाए, ठीक है बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।